हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म इज योर मेंटर एमडी सर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक राइट द थिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कैलकुलेशन जो कि हर एग्जाम में वी विल टॉक अबाउट एनी कम्पटिटिव एग्जाम्स राइट एंट्रेंस एग्जाम सभी जगह पर कैलकुलेशन जहां पर भी मैथ्स आ जाती है वहां पर कैलकुलेशन आ ही जाता है तो कैलकुलेशन का जो महत्व है जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो आप लोगों को खुद ही भी पता होगा कि टाइम हमारे पास इतना एग्जाम में रहता नहीं है तो मैटर क्या करता है हमारी कंसेप्ट क्लियर है हमें सब कुछ आता है लेकिन अगर हमारा कैलकुलेशन वीक है तो कहीं ना कहीं हम कॉम्पिटिशन में काफी पीछे रह जाते हैं तो इसी के लिए मैंने ये कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज चालू करी है आपके लिए ऑलरेडी मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं आप लोगों के लिए ला चुका हूं वीडियोस ट्रिक वाले स्क्वेयर्स पे थे वो भी और अभी आज जो हम डिस्कस करने वाले ये भी आपके स्क्वायर की ट्रिक है और आप अब आपके लिए लगातार रेगुलर बेसिस पे कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज भी कंटिन्यू रहने वाली है ठीक है मतलब आपके कैलकुलेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं बस आपको जो मैं बोलूं वो फॉलो करना है तो चलिए देख लेते हैं आज क्या हम डिस्कस करने वाले हैं ओके सो वेट सो कैलकुलेशन बूस्टर्ड ट्रिक टू कैलकुलेट दी स्क्स इन जस्ट फाइव सेकेंड्स यस ऑलरेडी आई टोल्ड यू हाउ टू कैलकुलेट दी स्क्वेस फ्रॉम इलेवन टू ट्वेंटी फाइव देखो ग्यारह से पच्चीस तक के वर्गों का भी मैंने आपको बता दिया था देखो हिंदी इंग्लिश बाई चलेगा लेक्चर तो, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम तो बिल्कुल दोनों लैंग्वेज में चलता रहेगा जो कन्वर्जेशन है एक्सप्लेनेशन है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इलेवन से लेके पच्चीस तक के मैं बता चुका हूँ आपको राइट ग्यारह से पच्चीस और उसके बाद अगर देखें तो ट्वेंटी सिक्स से सेवेंटी फाइव भी बता चुका हूँ आप जाओगे प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगे अगर आपने नहीं देखे तो आज जो रेंज हम कवर करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी सेवेंटी सिक्स स्क्वायर टू वन ट्वेंटी स्क्वायर अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम भाई हम सेवेंटी सिक्स से लेके वन ट्वेंटी फाइव तक का कोई भी नंबर का स्क्वायर विद इन फाइव सेकेंड कैलकुलेट कर सकते अब ये ट्रिक रहने क्या वाली है तो फटाफट -फड़ से देख लें जो पिछला देखो बेस ऑलमोस्ट जो कंसेप्ट है ना वो चलता रहा टाइप वन में टाइप टू में टाइप वन मैंने ग्यारह से पच्चीस के स्क्वायर्स की रेंज रखी थी देन ट्वेंटी सिक्स टू सेवेंटी फाइव के लिए टाइप टू टाइप थ्री में हमने रेंज रखी सेवेंटी सिक्स टू वन ट्वेंटी फाइव अब यहाँ करना क्या है सबसे पहले जैसा हमेशा लेते हो सेंटर बेस ले लो भाई बिल्कुल बिल्कुल आपका जो सेंटर बेस है है ना यहाँ पर सी बी मीस सेंटर बेस हम ले रहे हैं सेंटर बेस वैल्यू बिटवीन सेवेंटी सिक्स टू वन ट्वेंटी फाइव कौन सी होगी तो आप बोलोगे हंड्रेड होगी

तो मतलब अगर प्लस में है डिफरेंस तो प्लस कर दो अगर माइनस में है तो माइनस कर दो देखो यहां माइनस में था ना, ना, 98 नाइनटी तो 98 में से टू माइनस कर दो ये हो गया आपका पार्ट ए पार्ट बी क्या होगा इसी टू का स्क्वायर कर दो बट ये याद रखिए जो पार्ट बी है ये हमेशा क्या होगा दो डिजिट में होगा तो आपको हमेशा लास्ट टू डिजिट यहां पर कीप करनी है, ठीक है रखनी है तो आपका आंसर क्या हो गया देख लो यहाँ पर 98 में से 2 गया तो 96 बिल्कुल पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा इसके बाद कंसेप्ट समझ में आ गया तो टू का स्क्वायर 4 लेकिन मैं लिखूंगा जीरो फोर सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपसे चलो ठीक है इसके बाद में आपको डमी फॉर्मूला भी बता दूंगा इसका आपको कहीं नहीं मिलेगा जिससे आप आसानी से रेफरेंस ले पाओगे आगे चल के चलो ठीक है पहले हम देख लेते हैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं नाइन्टी का स्क्वायर ठीक है हंड्रेड से कितना कम है नाइन्टी सिक्स आप बता दो मुझको हंड्रेड से तो आप बोलोगे हंड्रेड से जो डिफरेंस है सर वो है माइनस फोर तो बस यहाँ से फोर कम कर दो 96 सिक्स में से फोर कम कर दिया और फोर का स्क्वायर बगल में लिख दिया तो टू 16 16 में से एट कम, कम कर दो एट्टी फोर और एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर हो गया आंसर भाई कितना आसान है तरीका समझ में आया हंड्रेड बेस है उससे डिफरेंस देखो माइनस है तो माइनस करोगे प्लस है तो प्लस करोगे प्लस कैसा देख लो यहां पर अगर मैंने बोला चलो आप थोड़ा सा बड़े नंबर देख लेते हैं हंड्रेड से प्लस है जो वन जीरो मैंने या वन है ना जीरो फाइव ले लिया एक नंबर चलो ठीक है अब इसमें स्क्वायर निकालना अभी ये हंड्रेड से क्या है तो आप बोलोगे ये जो दो वैल्यूज है ये हंड्रेड से प्लस है प्लस एट है ये प्लस फाइव है बस आपका आंसर डिसाइड हो गया है भाई कैसे डिसाइड हो गया ये देखो 108, 100 से कितना ज्यादा आठ तो उसी नंबर में 108 में ही उसी संख्या में आठ जोड़ दो ऐड कर दो वन वन सिक्स और एट का ही स्क्वायर लिख दो मतलब जो आप डिफरेंस है ना उसी डिफरेंस का स्क्वायर आपको बगल में लिख देना है आफ्टर एडिंग जब आप ऐड कर दो उस डिफरेंस को नंबर में ठीक है तो आपको पहले स्टार्टिंग के नंबर मिल गए फिर लास्ट दो डिजिट आपको कैसे मिलेंगे स्क्वायर करने पे उस डिफरेंस तो का तो आठ का स्क्वायर कितना होगा सिक्सटी फोर सिमिलरली वन जीरो फाइव का भी देख लो एक सौ पाँच कितना ज़्यादा पांच पांच ऐड कर दो एक सौ पाँच में और पांच का स्क्वायर बगल में लिख दो एक सौ पांच और पांच एक सौ दस पांच का स्क्वायर पच्चीस आपका आंसर आपके सामने बहुत आसान हो गया कि नहीं हो गया बिल्कुल हो गया चलिए अब लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्या आती है आप लोगों को डिफरेंस मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है किस तरीके की जब डिफरेंस आपका दस से ज्यादा होने लगे देखो दस का डिफरेंस मतलब तब तो नब्बे और टेन के मल्टीपल होंगे उनके स्क्वायर तो आप आसानी से निकाल सकते हो सपोज करो एट्टी नाइन का स्क्वायर निकालना मुझे ठीक है मुझे किसका निकालना एट्टी नाइन का तो so, जब एट्टी नाइन का स्क्वायर निकालने जा रहा हूं हंड्रेड से डिफरेंस देखूंगा जो मैंने मैथड है बिल्कुल आप बोलोगे हंड्रेड में से एट्टी नाइन माइनस करेंगे तो इलेवन आ रहा है और माइनस का इलेवन आ रहा है याद रखना कितना कम है ये क्या है आपका कम है कितना कम है भाई 89 में से अगर देखो तो 100 में? 89, आप तो 11, 100 में से कितना है आप याद रखो ये कम है, तो माइनस में लेके चलना है दिमाग में कि ये होगा। उतना ही हम 89 से वापस और कम कर देंगे ठीक है और ग्यारह का स्क्वायर बगल में लिख देंगे पार्ट ए जिसमें हम एडिशन या सब्ट्रेक्शन कर रहे हैं जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं। पार्ट बी जिसमें हम डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं 89 में से ग्यारह घटा दोगे तो सेवनटी एट आएगा लेकिन जब मैं ग्यारह का स्क्वायर लिखूंगा तो वो होगा 121। और मैंने आपको बताया था कि आपको लिखनी है सिर्फ लास्ट की दो डिजिट है ना लास्ट की दो डिजिट रखनी तो लास्ट की दो डिजिट रख लीजिए फटाफट फ़ड़ से ट्वेंटी वन हो गया अब ये वन का आप एड कर दो तो एट में कितना हो जाएगा सेवन नाइन टू वन होप सो इट इज क्लियर मतलब यहां हुआ क्या है लास्ट की दो डिजिट रखी और जो एक्स्ट्रा था पिछले वाले जो स्क्वेयर्स थे उनमें भी समझा था एक्स्ट्रा पार्ट को आपने शिफ्ट कर दिया कहां पर पार्ट ए की जगह भाई पार्ट बी अलाउ नहीं कर रहा मेरे यहां दो ही लोग रह सकते हैं हम इससे ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं करेंगे ये रेंट पे दे रहे हैं ये एक ए रूम है ये बी रूम है ए में कितने भी लोग रह सकते हैं वो मना नहीं करता कभी लेकिन बी में सिर्फ वो बोलता है अधिकतम दो लोगों को ही अलाउ किया जाएगा तो लास्ट के दो लोग हो गए टू वन अब ये एक बचा था ये कहाँ शरण ले लेगा ये ए में चला जाएगा प्लस हो जाएगा सेवेंटी एट प्लस वन नाइन सेवेंटी नाइन तो याद रखिए जब भी एक्स्ट्रा जो भी बचेगा वो कहा शिफ्ट कर दोगे ऐड कर दोगे पार्ट ए में इसके लिए मैं आपको यहाँ पर डमी फॉर्मूला बना देता हूँ दैट वुड बी इजी फॉर यू ऑल सपोज करो जो हमारा नंबर है वो है एक एक्स और इसकी रेंज रहने वाली है सेवेंटी सिक्स से वन ट्वेंटी फाइव मतलब कोई भी नंबर हो सकता है ये वेरिएबल है जो वेरी करेगा सेवेंटी सिक्स से वन ट्वेंटी फाइव तक अब इसका स्क्वायर निकालना है हमको ठीक है तो हम किससे डिफरेंस देखेंगे ये याद रखिए आप देखोगे डिफरेंस हंड्रेड से ये मैं क्या बता रहा हूं आपको यहाँ पर इसका एक

ठीक है और d का स्क्वायर उसी डिफरेंस का स्क्वायर लिख देना बट ये जो सेकंड पार्ट है ये देखो ये तो पार्ट ए हो गया और ये पार्ट बी हो गया पार्ट बी जो है स्क्वायर वाला जिसमें आप स्क्वायर कर रहे हो उसमें बस लास्ट की दो डिजिट रखनी और अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता है जैसे कि मैंने बताया बहुत खड़ूस है वो पार्ट बी है ना तो वहां से आप शिफ्ट कर दोगे कुछ भी एक्स्ट्रा आया है ना एक्स्ट्रा कहा शिफ्ट कर दोगे आप ऐड कर दोगे पार्ट ए में

तो आपका नाइनटीन का स्क्वायर कितना हुआ 361. But मुझे पता है कि कि लास्ट दो दो। डिजिट अब ये 3 दो. एक्स्ट्रा ये ऐड कर दो. पार्ट A में 62 था था 62 नहीं वर्बल भी करने लगोगे इस तरह की कैलकुलेशन को भी बस आपको प्रैक्टिस करनी है अब जैसे मैंने बोला मुझे निकालना सपोज करो वन वन थ्री का स्क्वायर एक सौ तेरह का अब ये सौ से कितना ज्यादा था तो आप बोलोगे सौ से सर तेरह ज्यादा था अब बस कुछ मत करो आप सीधा सीधा <coughs> 113 में 13 जोड़ दो 126 आ गया ठीक है और 13 का स्क्वायर होता है 169 तो 69 तो आएगा ही और ये एक्स्ट्रा पार्ट जो था वो 126 में ऐड हो जाएगा लास्ट की दो डिजिट आपने लिख ली बाकी जो पार्ट है वो ऐड कर दो पार्ट ए में ठीक है तो 120 सेवन बन जाएगा अब बस इसको प्रैक्टिस करना है आपको ज्यादा से ज्यादा और बिल्कुल कहां से स्टार्ट करना है प्रैक्टिस देखो सेवेंटी सिक्स से स्क्वायर लिखना स्टार्ट करना वन ट्वेंटी फाइव तक पूरे इस मेथड से ट्राई करना आपको बहुत अच्छे से बन भी जाएंगे और आपका कैलकुलेशन भी एनहेंस होगा एडिशन सब्ट्रेक्शन भी आप कैसे आसानी से कर सकते हो इस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा डिवीजन आपका जो भाग करने में भी लोगों को बहुत परेशानी होती है इस पर भी जल्द ही मैं आपके लिए कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज लेके आऊंगा इस कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में जितनी भी तरीके हो सकते हैं जिससे आपका कैलकुलेशन अच्छा हो सके है ना वर्बल कैलकुलेशन डेवलप हो सके हम हर एक चीज कवर करेंगे तो आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई ये तरीका आपको समझ में आया कि कैसे स्क्वायर निकालना है हमें रेंज 76 टू 125 का तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए थैंक यू कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग विथ आस बाय बाय